सॉरी भैया, सॉरी सॉरी, वो एकदम से ना कॉकरोच आगे आ गया तो इसलिए मैंने ब्रेक लगा दी। एक कॉकरोच के पीछे तूने ब्रेक मार दी? हाँ भैया। अबे तो मरने देता ना उसे, अपनी जान क्यों खतरे में डाल रहे कॉकरोच के पीछे? वो भैया मैं ना पूजा पाठ करता हूँ तो अपने आप ही ये भाव आ गए हैं कि किसी जीव को नहीं मारना चाहिए। मैंने ब्रेक लगाई नहीं भैया, ब्रेक ना अपने आप ही लग गई मेरे से। और देखो ना भैया, ना आपको कुछ हुआ ना मुझे कुछ हुआ और वो कॉकरोच भी बच गया। साले पता है आज ना मैं किसी को मारने जा रहा था और उसका सारा गुस्सा ना तेरे पे निकलता भी, पर एक छोटे से जीव के प्रति तेरा प्यार देख के ना इरादा बदल गया मेरा। अरे भैया हमें किसी को मारने के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए, जान लेना और जान देना तो भगवान के हाथ में है, तो इसको भगवान पे ही छोड़ देना चाहिए। भाई बहुत गहरे आदमी हो यार तुम। भैया वो गहरा वहरा कुछ नहीं हूँ, वो बस जिंदगी के एक्सपीरियंसेस इतने रहे, इतने उतार चढ़ाव देखे ना मैंने लाइफ में, तो गहरा अपने आप हो गया। पहले करोड़ों का बिजनेस करता था, फिर उसके बाद दुकान चलाने लगा, फिर अब हालत देखो कि जॉब करनी पड़ रही है हजारों की, लेकिन एक चीज़ इसमें कंटिन्यू रही तो वो था पूजा करना मेरा। भगवान में विश्वास में कभी कमी नहीं आने दी, तो इसीलिए खुश रहा हमेशा। देख सकेंगे। हेलो हेलो सर। हाँ जी सर, वो जो आपका प्रोजेक्ट था ना वो पास हो गया है, आपको काम मिल गया है 20 से 24 लाख का। सही बताओ मिल गया? हाँ सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुबारक हो तुम्हें भी यार। भैया एक बात बताऊं, एक ना बहुत टाइम से ना मेरा काम अटका पड़ा था, वो हो गया आज पूरा। मुझे लग रहा है ये कॉकरोच की जान मैंने बचाई ना इस वजह से ही हो गया, हो सकता है उस कॉकरोच में भगवान का रूप हो कुछ। तो थैंक यू यार, आपने सही टाइम पे ब्रेक लगा दी, सब कुछ सही हो गया। मिलते हैं भैया फिर, ठीक है? चलो ओके भाई, बहुत अच्छा लगा यार तुमसे मिलके। बिल्कुल मेरे को भी। मिलते हैं जल्दी। हाँ अच्छा वैसे सुनो, आज ना तुमने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। किस लिए भैया? पूजा के लिए, अब से मैं रोज पूजा करूँगा। ठीक है भैया यार, ये तो मुझे और भी अच्छा लगा यार, अगर मेरी बातें सुन के आप इसके लिए इंस्पायर हुए। चलो मिलते हैं फिर। ठीक है, जय श्री राम।